संसद के दोनों सदनों से आरटीआई संशोधन बिल पास होने के बाद से आरटीआई कार्यकर्ता इसके विरोध में सड़कों पर है। आरटीआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार संशोधनों के जरिए इस कानून को खत्म करना चाहती है, लेकिन इसे बचाने के लिए अब पहले से ज्यादा की संख्या में आरटीआई की अर्जी लगाई जाएंगी। इसके अलावा आरटीआई कार्यकर्ता और क्या क्या कदम उठा रहे हैं, हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे ने इस बारे में आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज से बात की। आरटीआई अमेंडमेंट जो है कानून अब वो बन गया है, जो चेंजेस जो कानून में लाने थे आप लोगों ने काफ़ी पहल की, प्रेसिडेंट तक आप लोग पिटिशन लेके गए, लेकिन तब भी जो है अब जो अमेंडमेंट्स आ गए हैं, अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, ये जो अमेंडमेंट्स आए हैं ये पूरी तरह से जन विरोधी और लोकतंत्र विरोधी अमेंडमेंट्स हैं। हम मानते हैं कि सूचना का अधिकार कानून मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये संवैधानिक अधिकार है और लोगों की बहुत नज़दीकी से जुड़ा है, उनके बोलने की आज़ादी से, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी से। तो ये संशोधन लाकर जो कि इस कानून को कमज़ोर कर देते हैं, सरकार ने दिखा दिया है कि वो लोकतंत्र पर प्रहार कर रही है। और ये जो कानून लाया गया है ये पूरी तरह से गोपनीय तरीके से लाया गया, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई, लोगों के साथ कोई बहस नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई और पार्लियामेंट तक में इसके ऊपर प्रॉपरली चर्चा नहीं की गई, इसको सिलेक्ट कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी किसी में भेजा नहीं गया। तो हम ऐसे कानून को बिल्कुल नकारते हैं, हम मानते हैं कि हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों पर एक अटैक है। तो आगे जाते हुए लोग चुप नहीं बैठेंगे, लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा इस कानून को इस्तेमाल करने के लिए। हम लोग सब मिलकर पूरे देश में एक मुहिम चला है जिसमें हम लोग सूचनाएं और भी मांगेंगे। आज तक भी देश में 60 लाख आरटीआई एप्लीकेशन हर साल लगती है, अब और भी लगेगी और सरकारें जो छुपा चाहती हैं वो सूचनाएं लोग मांगेंगे। ना केवल सरकार जो है, केंद्र सरकार, बल्कि विपक्ष भी जो है काफी उन्होंने साथ दिया सरकार का इस संशोधन को पास कराने में। देखिए, सरकार इस कानून को बहुत उन्होंने पुश किया, लोकसभा में तो ब्रूट मेजॉरिटी थी, कई एमपीस ने इसके खिलाफ बोला पर उसको पास कर दिया गया। राज्यसभा में 15 पार्टियों ने, ऑपोजिशन की पार्टीज ने कहा कि वो इसको चाहती हैं सिलेक्ट कमेटी में जाए, इसके ऊपर बातचीत हो और इस पर इसके ऊपर कुछ सोचा जाए जिससे कि लोगों की जो समस्याएँ हैं ये इनको एड्रेस किया जाए, लेकिन सडनली ओवरनाइट 3 पार्टियों ने अपना समर्थन इससे हटा लिया, जिससे कि एक ये पूरी बात अब समझ में आ रही है कि कहीं दबाव में तो पार्टियां काम नहीं कर रही। पर जो भी है, अब बिल पारित हो चुका है, हमारे सूचना के अधिकार कानून पर ये प्रहार है और लोग इसे चुपचाप नहीं सहेंगे, लीगल चैलेंजेस भी होंगे। लोग सूचना के अधिकार कानून के संशोधन से समझ गए हैं कि सरकार कुछ छुपाना चाहती है, तो लोग सूचनाएँ मांगेंगे और भ्रष्टाचार को, अब्यूज़ ऑफ पावर को, सबको एक्सपोज करेंगे और साथ ही में लोग जो हैं अब अपने आयोगों के ऊपर और भी निगरानी रखेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो सरकार की कठपुतली बन के रह जाएं और उन्हें सूचनाएं ना दिलाए। तो लोग अलग अलग तरह से काम करेंगे इन सब संशोधनों के विरोध में। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे अंजलि भरद्वाज बता रही थी कि अब एक मेन मुख्य प्रयास ये रहेगा कि देश भर में जो 60 से 70 लाख जो आरटीआई फाइल होती हैं हर साल, उसकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। आरटीआई की मजबूत, आरटीआई तब मजबूत बनता है जब आरटीआई लोग आरटीआई फाइल करते हैं। 30 साल लगे थे जो पहला आरटीआई कानून राजस्थान में जो आया था, अरुणा रॉय का भी कहना है कि आरटीआई फाइल करने में ही आरटीआई की ताकत है। तो राजस्थान के बाद फिर सेंट्रल लॉ जो बना, सारे कैंपेनर्स का कहना है कि जो भी जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं तो कानून जो है कमज़ोर हुआ है, आरटीआई और फाइल करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि लीगल चुनौती, यानी कि कोर्ट में भी ये मामला जाएगा, जहाँ इन्होंने कहा कि ये मौलिक अधिकार है, तो ये मौलिक अधिकार पे प्रहार है कैंपेनर्स के हिसाब से, और ये जो है पूरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। नई दिल्ली में सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़।